साथियों अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद साथियों। मैं हूं आपका भाई कमांडो हिदायत खान। साथियों, आने वाली 24 तारीख को हर बार की तरह इस बार रोजगार मेला लगाया जा रहा है, और जो ये रोजगार मेला है एक्चुअल में इसमें बहुत ज्यादा जगह है खाली, और मुझे नहीं लगता इतनी कभी भी वैकेंसी नहीं आई जितना इस बार है। कम से कम 1000 बच्चे इसमें सेलेक्ट होने हैं। करीबन 10-12 कंपनियां हैं जो एमटी मानेसर इधर अपने रोजका में डिस्ट्री और भिवाड़ी चौपान की। साथियों, बिल्कुल ये हमारे नियर बाई है और मेवात के बच्चे यहां रोजगार पा सकते हैं। साथियों, इस बेरोजगारी से रोजगार बेहतर है। अगर इसी तरह बेरोजगार बैठे रहोगे तो बर्बाद हो जाओगे। साथियों, मेरे नौजवान साथियों, आगे बढ़ो, रोजगारों पे ध्यान दो, खुद भी अपने कारोबार करो, छोटे छोटे रोजगारों में अपनी उपस्थिति दर्ज कराओ, कारोबार करो, और साथ ही साथ छोटी छोटी नौकरियों से भी पालन पोषण हो सकता है। साथियों, जितने भी हमारे नौजवान पॉलिटेक्निकल हैं, कोई इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से है, या भी 10th 12th और ग्रेजुएट है, वो साथी 24 तारीख को माड़ब जो पॉलिटेक्निकल है उसके अंदर सुबह 10 बजे पहुंचे। और अभी टाइम है आप साथियों पे, यदि अगर समय मिलता है तो उससे पहले आप रजिस्ट्रेशन करा लें अपनी अनाज मंडी के अंदर 83 नंबर जो आड़त है उसके अंदर ऑफिस है रोजगार का, वहां दीपक सर मिलेंगे इंशाल्लाह, आप वहां मिले, आप जरूर बताएं, मैं कमांडो साहब ने भेजा हूं, ये चीज जरूर बोले ताकि और काम में आप लोगों को आसानी होगी, क्योंकि उन्हें पता है कि आप आवाम के इस फिक्र को, अपने नौजवानों की इस बेरोजगारी वाले फिक्र को लेकर मैं वहां तक पहुंचा हूं। उन लोगों से मैंने बात की कि आप लोग रोजगार लाओ ज्यादा से ज्यादा, और कोशिश करो हमारे लोकल बच्चे उनमें लगे, सर धर्म के लोग लगे, तभी हमारी ये गरीबी खत्म होगी। साथियों, तभी हम नशे जैसी बीमारियों से बचेंगे, हमारे नौजवान आगे बढ़ेंगे। छोटे छोटे रोजगार बहुत जरूरी है साथियों, हमें बिल्कुल ध्यान देना होगा, फोकस देना होगा। आज हर आदमी बेरोजगार है, ऐसे काम नहीं चलेगा साथियों। इसीलिए मैं अपील करता हूं हाथ जोड़ के कि 24 तारीख की तैयारी करें, 24 तारीख से पहले हो सकता है रजिस्ट्रेशन कराएं नू अनाज मंडी पहुंचकर, 24 तारीख को अपनी जो मालम पॉलिटेक्निकल कॉलेज है वहां पहुंचे, वहां आप अपना इंटरव्यू दें और अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर जाएं। उससे पहले आप रोजगार मेले में अगर टाइम मिलता है तो रजिस्ट्रेशन भी करा लें ताकि आपको वहां पर इतनी दिक्कत ना हो। अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद। मेरा यही आप लोगों से अपील थी कि आप लोग रोजगारों की तरफ बढ़ो, आगे कारोबार करो, जॉब करो। मेरे भाइयों, कुछ नहीं रखा इस बेरोजगारी में, ये बेरोजगारी तुम्हें खा जाएगी साथियों, बुराइयों की तरफ धकेल देगी, इसे बचो और आगे बढ़ो। अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद। ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कर देना ताकि नौजवान हमारे वहां पहुंच सके। मेरा मकसद है अगर वहां पर 700-800 वैकेंसी या 1000 वैकेंसी खाली होती है तो कम से कम सारे इतने नौजवान जरूर पहुंचे कि वैकेंसियां फुल ऑपरेट हो जानी चाहिए, एक वैकेंसी खाली नहीं जानी चाहिए इस बार की। इसके लिए मैंने स्पेशल कह के रखा था, तब भी जगह आती है मुझे बता के रखना। पूरे उनके सीनियरों से मैं मिल आया था तो स्पेशल दीपक सर की ड्यूटी लगी थी, और दीपक सर ने मुझे व्हाट्सएप करके बकायदा डिटेल भेजी है, वो भी मैं फेसबुक पे अपलोड कर दूंगा। साथियों, आप लोग जरूर प्लीज, मेरी हम्बल रिक्वेस्ट, आप लोग कोशिश करें रोजगार पाए। अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद। मैं हूं आपको भाई कमांडो खान, जय हिंद।